हेलो डिजाइनर्स, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आया हूँ मैं कार पोस्टर के ऊपर लेके आया हूँ। ये जो कार पोस्टर का डिज़ाइन है, बहुत सारे 40 डिज़ाइन दिए गए हैं, ब्लैक एंड वाइट, सिंगल कलर और मल्टी कलर पर दिए गए हैं। ठीक है, मल्टी कलर वाला डिजिटल मशीन से प्रिंट होता है, एप्सन या कोई सा भी प्रिंटर हो, A4 साइज का जो प्रिंटर होता है, या फिर डिजिटल मशीन जो होते हैं 12-18 साइज का, A3 वाला, उनसे भी प्रिंट किया जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है आपको A4 साइज में दिया गया है। ठीक है, इन कार पोस्टरों का यूज़ तो आप सभी को पता है कि बरातियों के गाड़ियों पे यूज होता है, फ्रंट मिरर पे फ्रंट साइड के ग्लास पे लगाते हैं और पीछे साइड के ग्लास पे लगाते हैं। ठीक है, जितने भी बराती गाड़ी होते हैं सब पे लगाए जाते हैं और इनका डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग अधिकतर ऐसे ऐसे डिमांड करते हैं, डिमांड पूरी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो हम डिज़ाइन लाए हैं 40 डिज़ाइन, इनमें से सभी डिज़ाइन आप सभी को पसंद आने वाला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, वीडियो में पासवर्ड लगा हुआ रहता है, इस बार भी वीडियो में पासवर्ड लगा हुआ है, वीडियो को आराम से देखिएगा। और इसी बीच में वीडियो में मैं ट्यूटोरियल बताऊँगा इन 40 डिज़ाइन पर, आप जब देखिएगा तो कैसे डिज़ाइन किया गया है। और उम्मीद है कि जब वीडियो देख लीजिएगा तो आपको इस टाइप का कार पोस्टर बनाने में बहुत ही आसानी होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा इस वीडियो में इसका ट्यूटोरियल भी, कि कैसे बनाया जाता है, किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए। इसमें जो कार पोस्टर है ऑल रिलीजन कार पोस्टर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलते हम लोग वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग अपने स्क्रीन पे आ गए और आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे डिज़ाइन है और हर पेज में 4-4 डिज़ाइन दिए गए हैं। ठीक है, और सभी फाइल ओपन फाइल है, ये सभी डिज़ाइन है, मल्टी कलर डिज़ाइन है, फोटो लगा हुआ डिज़ाइन है। ठीक है, जिस टाइप का रिक्वायरमेंट हो आप अपने कस्टमर को दिखा के उनको आप डिज़ाइन दिखा के आप उनको पसंद करा सकते हैं। ठीक है, और ये सभी अच्छे अच्छे डिज़ाइन है, सभी को पसंद आने वाले हैं। ठीक है ना, और इधर कुछ ब्लैक एंड वाइट सिंगल कलर का डिज़ाइन है, जो हम लोग येलो पेपर, पिंक पेपर या ग्रीन पेपर या फिर वाइट पेपर पे ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर से मारते हैं। ठीक है, इस पर भी हम लोग कलर कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। सब वेक्टर फाइल है, ओपन फाइल है, फोन चेंज करना हो फोन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से, या फिर इस पर आप कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज कर सकते हैं। इन सभी का फोन मैंने जिप फाइल बना के ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, उसमें बहुत सारे फोन्स होंगे, आप पहले उनको इंस्टॉल कर लीजिएगा, उनके बाद फाइल खुलिएगा तो आपका कोई सा भी फोन मिस नहीं होगा। ठीक है, और इन सभी का नाम आप इजीली चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई सा भी नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, जो भी लड़का लड़की का नाम हो वो दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, सभी फाइल एडिटेबल है। ठीक है ना, आप इस पर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर डबल कलर हो सके तो सभी को पता होगा, या फिर मैं बता दूँ तो ये ग्रेडियंस कलर होते हैं। ठीक है ना, डबल कलर करने के लिए या तो F11 का शॉर्ट बटन होता है, या जी से कीबोर्ड का बटन दबाएं और डायरेक्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर खींच के आप कलर को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ब्लू वाले कलर को चेंज करना होगा तो आप वहाँ पर जो कलर चूज करना है उनको पकड़ के आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ब्लू डाल देते हैं जैसे, तो ये कलर हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आप इसी तरह से आप हर फाइल पे काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इन सभी फाइलों को जिस पे काम करना है आप उसको कॉपी करके एक नए पेज पे ले जाते हैं। ठीक है, और काम कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपका फाइल भी सेफ रहेगा। आप इसी तरह से सभी डिज़ाइन पे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन है जो सबको अच्छा लगेगा, आपके हर कस्टमर को पसंद भी आएगा। ठीक है, सभी डिज़ाइन ओपन फाइल है। कुछ बैकग्राउंड जो है आपका JPG इमेज है, जैसे ये रोज़ वाला डिज़ाइन है वो JPG है, यहाँ पे सारा फाइल विक्टर है, बस क्लिप आर्ट जो है वो PNG है। जो अच्छे लग रहे थे सभी फाइल मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, आप कलर चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे चाहे वहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, जो JPG होगा बस वही कलर चेंज होगा, बाकी बहुत सारे यहाँ पे फाइल है जो विक्टर फाइल है, आराम से आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी ज़रूरत नहीं इन सभी में एडिटिंग करने का, बस नाम चेंज कीजिए और डेट चेंज कीजिए, बाकी दे दीजिए कस्टमर को। ठीक है, या फिर वेडिंग का फोन चेंज करना हो या लड़का लड़की का नाम का फोन चेंज करना हो, आप इजली अपने हिसाब से जो फोन अच्छा लगे वो फोन डाल के आप कस्टमर को दिखला सकें। और उस हिसाब से हम आ जाते हैं ब्लैक एंड वाइट वाले डिज़ाइन पर। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट वाले डिज़ाइन पर क्या है कि बस वही सब मेटर जैसे मल्टी कलर वाले पे होते हैं, थोड़ा सा सिंपल सा डिज़ाइन है बट बहुत ही सुंदर है, अच्छा लगेगा जब प्रिंट निकालिएगा ना आप इसको,
बहुत ही अच्छा लगने वाला है। जैसे कि हम लोग पीला पेपर पे या पिंक पेपर पे निकालते हैं उस टाइम, जितने भी वाइट कलर होते हैं, वाइट तो होता नहीं है मशीन पे, आपका वाइट आएगा नहीं एक्चुअल पे, वहाँ पे येलो ही आएगा, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ वाइट है, वाइट होता नहीं है कलर, इसलिए वहाँ पे वाइट आएगा। या तो फिर आप पिंक कलर का पेपर यूज कीजिए या फिर ग्रीन पेपर का यूज कीजिए, आपका डिज़ाइन परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपको बस इन सभी में नाम चेंज करना है और अपने पार्टी को दिखलाना है। यहाँ पे और रिलीजन डिज़ाइन है, क्रिश्चियन का है, हिंदू का है और मुस्लिम का। इन सभी डिज़ाइनों पे हम नाम चेंज करके इस पे डिज़ाइन कुछ अच्छा लुक भी दे सकते हैं। बाकी ये बहुत ही अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं, सभी को अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। अब बात रहे कि इस पे हम लोग फ़ोटो कैसे डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग इन फाइलों को जिस पे हम लोग को काम करना है कॉपी करके एक नया पेज पे ले जाते हैं, उस पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। जैसे हम एक नया पेज पे ले आए कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ का फ़ोटो चेंज करना है, फ़ोटो चेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें फ्रेम को यहाँ से हटाना होगा, ठीक है ना। फ्रेम को हटाने के लिए क्या करना है, अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप हो जाने के बाद आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके साइड कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इमेज को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप कोरल 14 चला रहे होंगे तो अल्ट सी डब्ल्यू पी से तो पावर क्लिप है, अल्ट सी डब्ल्यू ई से आपका पावर क्लिप बाहर हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह हमारा तो कोरल का अपर वर्जन है, कोरल 21 वर्जन चला रहे हैं, तो हम लोग को राइट क्लिक करते पावर क्लिप का ऑप्शन मिलता है, हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। उसी तरह आपको ऑब्जेक्ट में भी वो ऑप्शन मिल जाता है पावर क्लिप का, ठीक है ना। पावर क्लिप पे जा करके आप चूज कर सकते हैं पावर क्लिप प्लेस इनसाइड द फ्रेम, और उसके अलावा वहाँ पावर क्लिप से निकालने के लिए पावर क्लिप पे जाना है और एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स, मतलब जो भी पावर क्लिप के अंदर है वो सारा बाहर आ जाएगा वहाँ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो उसी तरह ये इमेज बाहर आ गया। अब इसमें जो भी इमेज डालना है बस पावर क्लिप को ऑन करना है, उसके अंदर डाल देना है अपने हिसाब से, कंट्रोल दबा के पावर क्लिप के अंदर, मतलब जिस बॉक्स को एडिट करना है उस बॉक्स के अंदर चले जाना है और इमेज को अच्छी तरह छोटा बड़ा जो भी सेट करना हो वो डाल सकते हैं दुल्हा दुल्हन का फोटो, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। पूरा वीडियो देखिए आराम से, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है दोस्तों। और इतना डिज़ाइन का हर एक प्रिंटर प्रेस वालों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।